सब हील्स के ऊपर है बताइए, सब हील्स के ऊपर है, डायना की हील्स है तो डायना अच्छा बताइए आज, डायना लेट्स गो फॉर इट, ओके डायना लेट्स गो फॉर इट, लेडीज फर्स्ट, आई थिंक हील्स पे है बेसिकली, मैं मार्केट जा रही रहती हूँ और मेरा चेन चोरी हो जाता है, फिर ये भाई साहब आके इनको मेरे से प्यार हो जाता है और फिर चेन वापस लेके आ जाते हैं। ये तो बता दी डायना ने स्टोरी, गाना है गरारी का, गरारी और सांस ने बनाया, सर ने, राजेश जी ने प्रोड्यूस करवाया, मालवा रिकॉर्ड्स पे आया, इट्स अ लवली सॉन्ग, आई थिंक रैप है उसमें, आई थिंक थोड़ा गुरु रंधावा टाइप का स्टाइल है, तो दिस गाय इज न्यू एंड ही इज गोना रॉक इट एंड ही इज अमेजिंग। हम ही मिले उनको, हम ही मिले, और कोई था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत थैंक यू, विकास और रहने को क्यों लिया आपने मुझे, रजत जो हमारा कास्टिंग डायरेक्टर था उसने कुछ दोनों की फोटो दिखाई, मैंने कहा ओके कर दे भाई, ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा माता बच्ची करने का नहीं, वायरल कर, दोनों बढ़िया हैं। तो दीपावली का टाइम था, पहले जो दो फोटो आए ना लक्ष्मी जी दिखी उसमें, तो हमें ले लिया, ऐसी हो गई बात। आजकल ये जो म्यूजिक वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है, तो आपका क्या टेक है इसमें पर्सनली, आप कैसे देखते हैं? सर म्यूजिक वीडियो एक नई रीच है, आई थिंक यूथ के बीच ज़्यादा जाता है, पीपल लाइक पेपी सॉन्ग्स, पीपल लाइक रैप, पीपल लाइक इंटरेस्टिंग सॉन्ग विच दे ग्रूव ऑन, तो टिकटॉक पे बन रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे एक गाना होता है जो किसी को खुश करता है, सो दिस इज रियली हैपनिंग सॉन्ग, और डायना इतनी खूबसूरत लगी तो सब देखेंगे देखेंगे, है ना, लेट्स गो, बहुत तारीफ हो गई मेरी, नहीं वी एक्चुअली लाइक द सॉन्ग एंड वी थॉट टू टेक दिस फॉरवर्ड एंड बहुत अच्छा निकल के आया है एंड द सॉन्ग इज वेरी नाइस, वी आर लुकिंग वेरी गुड एंड आई होप यू गाइस विल लाइक इट एंड प्लीज गिव, प्लीज कीप शेयरिंग इट एंड प्लीज गिव इट द व्हाटएवर यू हैव द लव, थैंक यू। आई थिंक कुछ लव सुनना चाहेंगे हम गरारी के मुंह से इसी गाने की, गरारी ने पूरा गाया है, सो गरारी हो जाए, रैप कर दो सर, रैप कर दो सर, ये आजा बैठ मेरी गाड़ी में, छोड़ दूं मैं तुझको, मुझको दे दे तू सवारी, ये शक ना तू कर जाने जाना, सीधा साधा हूं मैं बंदा, बस नाम ही गरारी है, थोड़ी जल्दी करता हूँ तू भी तो जल्दी कर, बस थोड़ा सा सफर मेरी जान न डर, जान लेवा तेरी लगे मुझे हाई, तो आई थिंक रियली हैपनिंग ट्रैक, अगर आपने सुना है तो बड़ा ही हैपनिंग है, पैपी है, कैची है, हम मैंने जब पहली वीडियो सुना था तो मुझे मन किया था कि हमें कल ही शूट करना है, एंड जो डायरेक्टर है आर स्वामी, आई थिंक इज द बिगेस्ट डायरेक्टर, वो वीडियोस को फेमस वीडियोस सारे हनी सिंह हनी पाजी के साथ सारे उन्होंने बनाए, तो उन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया है, सर ने प्रोड्यूस कर दिया है, गरारी ने गा दिया है, डायना ने फीचर कर दिया, तो मज़ा ही आ गया। आज फर्स्ट टाइम हील्स पहनती हूँ, अदरवाइज आई डोंट वेयर हील्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट अभी टूटी है कि नहीं, आप ये बता, टूटी है, मैं पहनती नहीं हूँ ना, कि डायना के पास फेवी क्विक भी रहती है कभी कभी, सो यू नो इट जस्ट होता है, नहीं, नहीं। मेरे पास है हमने इसमें यूथ को मौका दिया है, क्योंकि पीएम जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर है कि यूथ को जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही आप आगे, इसलिए हमने गरारी को हमने चुना और डायना और विकास। एक बात है, सर ने नए नए कलाकार चुने, जैसे गरारी इज अ न्यू किड, गरारी न्यू किड बट टैलेंटेड, तो सर ने गरारी लिया है, मुझे मौका दिया है, डायना को दिया है, सो यू नो वी कुड फीचर इन, एक होता है ना आप नई चीज़ों से एक फ्रेश बनता है, तो सर ने एक फ्रेश चीज़ बनाई है तो खिल के आया है वही, अगर पुराने होते तो सेम हेम आपको सेम फेसेस, सेम वॉइस, सेम टोन, सब सेम होता पुराने, इस बार तो अभी इंटरेस्टिंग बन के आया है। बहुत ही जल्द आपकी मूवी भी आने वाली, पूरी नंबर बहुत ही जल्द रैप भी हो चुकी है, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑन ये रीमेक, इज इट फील प्रेशराइज्ड, बिकॉज़ बहुत ही लोगों का उम्मीद है आप पे।
सर देखिए मैं सोलो विलन हूँ फिल्म का और इंटरेस्टिंग फिल्म है और आपको लग रहा है रीमेक है मगर फिल्म में बहुत कुछ चेंज हो चुका है. परेश सर है कादर सर की जगह परेश सर है. स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है. मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ. आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्शन है फिल्म में. मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतना एक्शन किया है. वरुण थोड़ा डिफरेंट कर रहा है ना तो गोविंदा और वरुण को कंपेयर ना हो तो थोड़ा अच्छा लगेगा. तो दैट फिल्म इज कम आउट रियली वेल. तो अभी सॉन्ग शूट होने फरवरी में सॉन्ग शूट होंगे और मई 1st में रिलीज है. ट्रेलर आ जाएगा मार्च में. सो आई विल वेट फॉर इट. ओके डेविड सर ने थोड़े दिन पहले पूछा था उन्होंने कहा था कि आपका ही पहला नाम था आफ्टर जुड़वा 2. आप कोई सोच रहे थे इतना बड़ा ये मानते हैं कि इतना डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत ही बड़ी बात है. देखिए मैंने मानता हूँ कि आप अपना काम सच्चाई से करेंगे ना तो कोई भी अप्रिशिएट करेगा. सो जुड़वा में आई वर्क लाइक एनीथिंग. मैं एक टेक देता था सर को सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए. एंड डेविड सर बहुत बड़े डायरेक्टर है. उन्होंने 45th फिल्म में और सारी फिल्म उनकी हिट है तो कैसे इम्प्रेस करें उनको. और मैंने सोचा आप बस टेक करते जाइए डेविड सर मान जाएंगे. फिर डेविड सर ने मुझे फरवरी में ही बोल दिया था कि ये तू फिल्म कर रहा है. इट इज़ अ बिग थिंग. Not for now, but I think you guys will come to know very soon. That's it. Okay, lastly, आप सभी क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? बहुत ही जल्द आने वाली है. Please do like our video. हम सब ने बहुत मेहनत की है and और प्यार दीजिए. हाई तेरी हील्स को गरारी को प्यार दीजिए. राजेश सर को प्यार दीजिए. आई थिंक इज द लवलीस्ट प्रोड्यूसर आई एवर मेट. इन्होंने सब कूल डाउन रखा. आप देखेंगे तो लोकेशन इज एग्जॉटिक. सो एक पार्क में हमने शूट किया है जो वंडरलैंड जैसे लगा है. वहाँ पे प्लेन भी खड़ा हुआ है. दौड़ने की लोकेशन भी है. लेक भी है. सब कुछ है. इतनी बड़ी लोकेशन को हैंडल करना इतनी बड़ी क्रू को हैंडल करना आई थिंक ही इज डन अ वंडरफुल जॉब. थैंक यू.